नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। सुबह के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला बिहार दौरा होगा और इस दौरान प्रधानमंत्री नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा नालंदा के खंडहरों का भी दौरा करेंगे। वही बता दें कि सीएम नीतीश कुमार भी इस उद्घाटन समारोह के दौरान मौजूद रहेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी नालंदा पहुंचेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां आज नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन किया जाना है, जिससे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं और इस उद्घाटन के दौरान राज्यपाल और साथ ही बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही वहां मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां आज नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन किया जाना है। प्रशासनिक स्तर पर तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है। पीएम के आगमन को लेकर जगह जगह सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं और इस बीच प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार आज बिहार पहुंच रहे हैं। और न्यूज रूम से ब्यूरो चीफ अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आज बिहार के लिए बेहद खास दिन है, नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन करने खुद प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री राज्यपाल दोनों ही वहां मौजूद रहेंगे। और आज के दिन की लेकर अगर हम चर्चा करें तो क्या पूरी जानकारी और कितने बजे आगमन होना है प्रधानमंत्री का? बिल्कुल रश्मि, और देखिए किस तरीके से तीसरी बार प्रधानमंत्री की ताजपोशी के बाद पीएम मोदी बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जिस खास मकसद से वो बिहार दौरे पर आ रहे हैं, वो आपसे अपने दर्शकों से जानकारी हम शेयर कर रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय, जो ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय, उसके जीर्णोद्धार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कोशिशें कर रहे हैं। उसमें जो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, उसके अलावा 221 संरचनाओं का वो लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सुबह 9 बजे यानी कि अब से कुछ मिनटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के गया एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे स्पेशल फ्लाइट से, और वहाँ से हेलीकॉप्टर के द्वारा वो पहुँचेंगे नालंदा, नालंदा के राजगीर में, और नालंदा के जो खंडहर है जहाँ पर कि विश्वविद्यालय के पहले अग्रावेश है, वहाँ वो पहले दौरा करेंगे, वहाँ की जानकारी लेंगे। उसके बाद जो मुख्य कार्य है उसमें जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसके जो नए कैंपस का निर्माण हुआ है उसका वो लोकार्पण करेंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी सुबह 8 बजे पटना एयरपोर्ट से गया के लिए रवाना होंगे और वहाँ पे वो प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे, अभिवादन करेंगे, और वहाँ से दोनों यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9 बजे वहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए नालंदा पहुँचेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ख़ासकर जिस तरीके से ऐतिहासिक जगह है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पूरे दुनिया भर में चर्चा, और सबसे पहला यूनिवर्सिटी जिसके बारे में पूरे दुनिया भर के लोग जानते हैं, उसको फिर से पटरी पे लाना और काफ़ी उसमें जो नई चीज़ों को जोड़ना, ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर, ऐतिहासिक मौके पर शामिल होना चाहते हैं, और बेहद महत्वपूर्ण है कि न सिर्फ ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पहली बार बिहार दौरे पे आ रहे हैं और इस खास आयोजन पे आ रहे हैं रश्मि, जहां पर सभी लोगों की निगाहें लगी हुई हैं कि आखिर किस तरीके से नालंदा यूनिवर्सिटी का जीर्णोद्धार हो रहा है। बिल्कुल, और देखिए अभी तो बिहार के विकास की बात हो रही है और साथ ही सीएम नीतीश कुमार भी कई बार ये कह चुके हैं कि अब बिहार को आगे लेकर जाना है, विशेष राज्य के दर्जे की मांग भी लगातार उठती रही है। इस बीच ये बड़ा तोहफा है बिहार के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन। अमित, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे।